वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टीटोस लेन की वो सैर कराऊंगी और साथ में टीटोस नाइट क्लब खुला है या नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हम लोग यहां से टीटोस नाइट क्लब को देखते हुए बागा बीच की पार्किंग तक चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गो गाइज। आप देख सकते हैं कितने कम लोग हैं। आगे चलकर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि टीटोस नाइट क्लब खुला है या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो अभी लगभग सारी शॉप्स और क्लब खुले दिख रहे हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है। हो सकता है न्यू ईयर से ये रास्ते और इन शॉप्स वालों को कस्टमर का वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सारी शॉप्स और क्लब ओपन हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन के समय गोवा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और टीटोस लेन को गोवा की पहली स्मार्ट स्ट्रीट बना दिया है। स्मार्ट स्ट्रीट के कारण शॉप्स के सामने नए नए डिस्प्ले लगा दिए गए हैं और रोड के किनारे पैदल चलने वालों के लिए भी स्पेस रखा गया है और हर जगह डस्टबिन और पार्किंग एंड नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये है गोवा की पहली स्मार्ट स्ट्रीट जिसे हम सब टीटोस लेन के नाम से जानते हैं। पहुंचने वाले हैं, लेकिन रास्ते में लोग बहुत कम हैं। जैसा कि दिसंबर में रहता है वैसा तो नहीं दिख रहा है। टीटोस क्लब तो खुला है, लेकिन जब रिसेप्शन में मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि रेस्टोरेंट और बार खुला है। इसका मतलब कि जो पहले प्रोग्राम होता था वो बंद है। और इंट्री फीस की बात करें तो इंट्री फीस में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप उतनी ही इंट्री फीस रखोगे तो कौन आएगा। टीटोस लगभग पूरा खाली है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग टीटोस में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर विदेशी लड़कियों का डांस और एक प्रोग्राम होता था जिसमें विदेशी लड़कियाँ स्टेज में चढ़कर डांस करती थीं। अभी नहीं हो रहा है। आई होप जल्दी से टीटोस नाइट क्लब प्रोग्राम ओपन हो जाएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।